जो बोनस दिख रही है फैन विंडा जोन, जिस प्रकार जिसके जो है फिंडिकाइंड प्लस, जिसके अंदर सार्टो फेनबिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन जो कि मेनकाइंड की है। इस बोलस का उपयोग आप अपने पशु में कैसे करवाना चाहिए, कब देना चाहिए यदि, और इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वर्मिंग पेट के कीड़े मारने के लिए ये दवा दी जाती है। ये आप अपने जैसे प्रेग्नेंट पशु हैं उनको भी दे सकते हैं, यानी गाभिन पशु हैं उनको भी आप जो ये फेंडिकाइन प्लस है बोलस ये दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है उनको भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो बोलस होती है ये प्रेगनेंसी सेफ होती है। यदि आपके पशु में पेट के अंदर का तो वर्म्स हो गए, कीड़े पैदा हो गए, या यदि आपका पशु खाना पीना कम कर देता है, जुगाली कम कर देता है, या कई बार आपने देखा गया कि आपके पशु में बार बार डायरिया होता है, दस्त हो जाते हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आप अपने पशु को दूध बढ़ाने के लिए आप किस तरह के पाउडर लिक्विड देते हैं फिर भी आप अपने पशु का दूध नहीं बढ़ा पाते, वजन नहीं बढ़ा पाते, आपके पशुओं पर शाइनिंग नहीं ला पाते, आपका पशु को खिलाते पिलाते खूब है लेकिन आपके पशुओं के शरीर पर नहीं लग पाता, तो आपको इस तरह की जो ये बोलस आती है इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये बोलस एक बार देने के बाद में 3 महीने बाद में आप इसे रिपीट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप साल में 4 बार आप अपने पशुओं को ये बोलस दे सकते हैं। यदि 4 बार भी नहीं दे सकते तो कम से कम 4-4 महीने में 3 बार आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर दें। रही बात इसकी देने की विधि, तो जब यदि आप अपने पशुओं को ये फेंडिकाइन प्लस जो बोलस इस तरह की आती है इसे देते हैं, तो आप सुबह यदि आपका पशु खाली पेट है सुबह दें, आप सुबह उठते ही आप उस पशु को खाली पेट देते हैं। देने के बाद में आपके पशु को 2 से 3 घंटे तक कुछ खिलाए पिलाए नहीं, और उसके देने के बाद में 3 घंटे बाद में भी आप उसे खिलाते हैं तो सूखा चारा खिलाएं, हरा चारा न दें, और खाने के बाद में आप उस पशु को पानी पिला सकते हैं। इस तरह से यदि आप सही तरीके से यदि आप फेंडिकाइन प्लस यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो आप अपने पशुओं में बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। रही बात इस तरह की कमेंट्स आते हैं कि इस तरह की जो डिवर्मिंग है इन्हें आप बांट के साथ खलचूरी के साथ देंगे, देखो पानी के साथ घोल करके देंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। इन बोलस को तो आप डायरेक्ट आप अपने पशुओं के मुंह के अंदर ओरली डायरेक्ट ही सुखी गोली जिस प्रकार से डायरेक्ट आप उस पशु के मुंह के अंदर डाल देंगे तो आपके पशु में ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, जो अदर यदि आप किसी के साथ मिला करके देंगे तो। रहे बात जो मीडियम साइज के पशु हैं जिनका बॉडी वेट 300 kg से ज्यादा है तो इन्हें आप एक बोलस दे सकते हैं, और जिनका हाफ है तो इन्हें हाँ बोलस दे सकते हैं, और जो और भी कम है तो इसे बोलस के 3 भाग भी आप डिवाइडेड कर सकते हैं। और जैसे छोटे बच्चों में उनमें देना है तो इसके लिए लिक्विड आते हैं, वह लिक्विड आप उनमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो यदि आप अपने पशु को यदि इस तरह के साल्ट के जिसके अंदर दोनों साल्टो फेनबिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन दोनों यदि आप अपने पशु को देंगे, यदि आप प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, यदि आपका पशु 7-8 महीने का प्रेगनेंट है तो उसे दे सकते हैं, ताकि उसमें पलने वाला बच्चा है उसको भी यदि आप ये डिवर्मिंग कराएंगे तो उसकी भी साथ में डिवर्मिंग हो जाएगी, यानी उससे भी ज्यादा आपके पशु को नुकसान नहीं होगा। देखो जहां तक हो सकता है मैंने आपको फेंडिकाइन प्लस के बारे में सही सटीक जानकारी देने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए। इसी तरह से भारी यदि वर्म्स हैं तो उनको भी ये किल करने का काम करती है, स्किन डिजीज है तो भी इसमें प्रयोग किया जाता है, स्किन इन्फेक्शन में भी ये डिवर्मिंग का काम करती है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी कमेंट में लिखिए, मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें।